जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़िले में जो है सेक्शन 144 लगा हुआ है, उसी के चलते हमने जो है लास्ट 2 डेज़ में कर्फ्यू भी लगाया था टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसी कड़ी में जो है 14 पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ स्टेशन हैं आज की डेट में, 12 कंपनियाँ डिप्लॉयड हैं, 2 कंपनियाँ रिजर्व में हैं। साथ ही साथ हमारे हरियाणा पुलिस की भी ऑलमोस्ट 20 कंपनियाँ यहाँ डिप्लॉयड हैं। हमारे पुलिस जो हमारा पुलिस विभाग है उसमें डिस्ट्रिक्ट एसपी के अलावा जो है हमारे 6 और IPS ऑफिसर्स हैं हु हैव बीन डिप्यूटेड ऑन हियर ऑन वेरियस ड्यूटीज़। साथ ही साथ जो है मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा और डीजीपी कार्यालय द्वारा जो है इसकी समय समय पे समीक्षा की जा रही है। उसी कड़ी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट देखते हुए हमने जो है आज निर्णय लिया सुबह के कर्फ्यू का जो टाइमिंग्स है इसको हम आज रिलैक्स करेंगे, 3 से 5 बजे तक के लिए रिलैक्स करेंगे। एंड गोइंग फॉरवर्ड डिपेंडिंग ऑन के आज की जो है व्यवस्था कैसी रहती है उसके हिसाब से आज शाम को हम कॉल लेंगे कल और आने वाले समय के लिए। तो एज़ फार एज़ न्यू जो नए ऑर्डर्स हमने करे हैं उसकी कड़ी में ये हैं। इसके पश्चात अगर आपके कोई इसमें सवाल हैं और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन संबंधित पार्ट है वो आप जो हमारे सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं श्री गोविंद सिंगला जी, आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। सर ये बताया उसके टाइमिंग में रिलैक्स जो भी देंगे आप जी, देंगे, क्या टाइमिंग है, क्या आज आज मतलब हमने कोई तीन डील से नहीं है? पाँच बजे तक का जो है रिलैक्सेशन दिया है और इस 3 से 5 बजे तक की समीक्षा हम शाम को करेंगे और कल के जो टाइमिंग्स होंगे वो अकॉर्डिंगली भी डिसाइड करके भी लेंगे। कंडीशन क्या होंगे सर सर, कौन कौन से इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि पूरे नू में तो नहीं लगा जी हुआ? जी 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 नहीं, कर्फ्यू सभी चारों सब डिवीजन्स में लगा हुआ है। चारों सब डिवीजन्स में जो है ये हम 3 से 5 बजे की जो है रियायत देंगे आज, और इसी रियायत के चलते इसकी समीक्षा करके कल अगर समय में कुछ हमें तब्दीली अगर करनी होगी तो वो करके हम आपको टाइमली इत्तला करेंगे। कंडीशन क्या होंगे सर? कंडीशंस यही होंगे कि जी जैसे कर्फ्यू में रहता है कि मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, तो अब ये कर्फ्यू जैसे अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं तो लोग अपनी एसेंशियल चीज़ों के लिए, कोई दवाई है, कोई आपकी ग्रोसरीज हैं उस टाइप का, कोई सामान आपने खरीदना है, कोई आपने अनाज खरीदना है, कोई किसने दूध चावल खरीदना है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो जाके और दुकानों से ले सकते हैं। 144 वाली धारा जो है वो प्रोहिबिट करती है कि 4 या 5 व्यक्ति से अधिक जो है इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो अभी भी लागू है। तो वो चीज़ हम इंश्योर करवाएंगे कि लोगों का एकत्रित होना जो 144 धारा जो उस चीज़ को प्रोहिबिट करती है वो चालू है। सर स्कूल कॉलेज का क्या है, कब खुलेंगे और इंटरनेट सेवा कब बहाल होगी? तो इंटरनेट सेवा फिलहाल 3 दिन के लिए जो है बंद की गई थी 31 तारीख से, तो कल उसकी भी समीक्षा करके अगर उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव रही तो उसको भी जो है हम वापस स्कूल लेने का कॉलेज ऑर्डर को लेकर करवाएंगे। सर स्कूल कॉलेज खुलने का भी समीक्षा जो है कल या परसों की जाएगी, इस हफ्ते तो बंद ही रहेंगे। प्रॉब्ली फ्राइडे को या सैटरडे को इस पर कॉल ली जाएगी ताकि अगले हफ्ते हम इसको सुचारू रूप से खोल सकें। देखिए, अभी तक कुल 41 FIR दर्ज की गई हैं विभिन्न मामलों में, और मुख्यतः 4 थानों के अंदर ये FIR दर्ज हुई हैं। एक एक FIR हमारी सिटी तावड़ू और बिछोर में भी दर्ज हुई है, और कुल अब तक 116 लोगों की क्रमाविसाई जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और आगे हम लगातार हमारी टीमें इसमें हमने गठित की हुई हैं। SDF भी हमारे साथ हैं, हमारे लोकल CIA पुलिस भी हैं, और जो और IPS ऑफिसर्स यहाँ डिप्लॉयड हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर एंश्योरिंग दी एप्रीहेंशन ऑफ दिस क्रिमिनल्स इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज़। तो उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं, सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को और जो अभी तक की एप्रीहेंडेड लोग हैं उनकी इंटेरोगेशन डिटेल्ड में की जा रही है। सभी एक्यूज्ड के लिए आज हमने पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई किया है, अभी ये प्रोसेस चल रही है, आज शाम तक हमें ये क्लियर हो पाएगा। मैक्सिमम एक्यूज्ड का हमने सभी का पुलिस रिमांड अप्लाई किया है ताकि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि किस प्रकार से ये लोग संगठित हुए थे और किस प्रकार से ये अपराध कारित हुआ था। जो जो जितनी FIR हुई है सर, जितनी FIR हुई है उन FIR में ज्यादातर एक बात ये कॉमन है कि जो जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी थी, जिन्होंने अपने बयान के आधार पर FIR दर्ज कराई है, कि एक ग्रुप आया, 600-700 लोगों का ग्रुप आया, उन्होंने एक तरीके के नारे लगाए, किस किस तरह के वेपन का इस्तेमाल किया गया सामने से? देखिए, अभी ये सब चीज़ें कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इनकी हमने पहले धरपकड़ की है और रिमांड पीरियड आज हम रिमांड ले रहे हैं। रिमांड के बाद की हमें पूरी बात क्लियर हो पाएगी जब हम मैक्सिमम एक्यूज्ड का इंटरोगेशन कर पाएंगे कि प्रॉपर क्लियर पिक्चर क्या है। तो
तो अभी इसमें कमेंट करना अर्ली होगा। और वेपन्स जहाँ तक बात है, इसके अंदर इसकी विषय में भी जांच की जा रही है कि ये वेपन अवैध थे, वैध थे, जिस भी तरह के वेपन थे इनको रिकवर भी किया जाएगा, अगर वैध थे तो उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रोसेस शुरू की। नहीं नहीं, ये नंबर तो, ये तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो वेपन्स रिकवर होंगे वो वेपन्स के बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो वेपन्स कितने हमारे लीगल, जो भी लीगल भी होंगे उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे, जो इलीगल होंगे उनकी रिकवरी की जाएगी। बलात्कार हिंसा से पहले 30 तारीख को ही तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे अलग अलग की वहां पर पहुंचना है, क्या ये जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं थी? पुलिस प्रशासन कहाँ थी, फोर्सेस कहाँ पर थे और जिस वजह से ये हिंसा इतनी बड़ी हो गई? क्या पुलिस सो रही थी सर? क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी? भड़काऊ जो सोशल मीडिया पे चल रहा था इस तरह की बातें थी, तो क्या उनकी भी कहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है? क्या उनकी भी कोई गिरफ्तारी हुई है? खासतौर पे जैसे बिट्टू बजरंगी हैं, उन्होंने कुछ गलत अल्फाज कहते हैं कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, कई चीज़ें हैं। एक अपने क्या नाम है मोनू मानसर वाली बात थी, उसने कहा कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तो वो नहीं पहुँचने वाला बात थी, तो क्या इनकी भी बातें दोनों तरफ से उनको भी चेतावनी दी है, खासतौर पर जिसकी वजह से भड़का है जो हालात दिख रहे हैं? क्या देखिए, ऐसा है कि इस तरह की यात्राएँ पहले भी मैं बात में हुई हैं और बहुत पीसफुल तरीके से यात्रा कंडक्ट हो रही है। पुलिस फोर्स हमेशा से मुस्तैदी से काम करती आ रही है और पूरी डिप्लॉयमेंट हमारी इस बार भी थी, करीब 800 के करीब टोटल मैन पावर पूरी यात्रा में डिप्लॉयड थी, क्योंकि यात्रा का स्पैन लंबा था तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जो है अलग अलग एरियाज में डिप्लॉयड थी। तो पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कोशिश की थी कि किसी भी तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इस तरह के पहले भी बहुत सारे इशूज हुए हैं जहाँ पर पुलिस ने इसी प्रकार से मुस्तैदी से काम करते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को बचाया है, लेकिन समटाइम्स थिंग्स जो है वो जिस तरह का रिएक्शन यहाँ से आया उसमें ये वायलेंस हुई है, और यही हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये किस प्रकार से हुआ।